दोस्तों, आज मैं जिक्र करने वाले हूँ इस वीडियो में गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्रियों को नग्न होकर नहाने को मनाही क्यों की जाती है। हमारे शास्त्रों में स्त्रियों के बारे में खास तौर से इस बात का जिक्र किया गया है कि नग्न होकर नहाना महापाप है। क्यों ये महापाप है और इससे क्या होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्नान करते समय आपके पितर यानी कि आपके पूर्वज आपके आस पास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिससे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं जिनसे व्यक्ति का तेज बल धन और सुख नष्ट होता है, इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर नहाना नहीं चाहिए। पद्म पुराण में एक कथा का जिक्र भी किया गया है जिसमें श्री कृष्ण गोपियों को इसके बारे में बता रहे हैं। जब गोपियां निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान कर रही थी तब श्री कृष्ण उनके वस्त्र को चुरा लेते हैं। ये कथा तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि कृष्ण जो है बहुत ही नटखट थे और गोपियां जब स्नान करती थी तो उनके वस्त्र को चुरा लेते थे, लेकिन इसके पीछे के जिक्र यानी कि पीछे का कारण आपको नहीं पता होगा। श्री कृष्ण से गोपियां बहुत विनती करती हैं कि उनके वस्त्र वो लौटा दें, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे वस्त्र वृक्ष पर हैं, पानी से निकलो और वस्त्र ले लो। निर्वस्त्र होने के कारण वह जल से बाहर आने में असमर्थ होती है और बताती है कि वह निर्वस्त्र है, ऐसे में वह बाहर कैसे आ सकती है। तब श्री कृष्ण पूछते हैं जब निर्वस्त्र होकर जल में गई थी तब शर्म नहीं आई थी? जवाब में गोपियां बताती हैं उस समय यहाँ कोई भी नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं यह तुम सोचती हो कि मैं नहीं था, लेकिन मैं तो हर पल और हर जगह मौजूद होता हूँ। यहाँ आसमान में उड़ते पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। तुम निर्वस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूद जीवों ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा। जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा और यहाँ उनका अपमान हुआ, तुम उसके लिए पाप के भागीदार हो। श्री कृष्ण कहते हैं निर्वस्त्र होकर स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। यह सोचना कि बंद कमरे में आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं और आपको कोई नहीं देख रहा है तो गलत सोच रहे हैं। वहाँ मौजूद छोटे जीव और भगवान आपको देख रहे हैं, आपकी नग्नता आपको पाप का भागी बना रही है। दोस्तों, ये एक ऐसा कथा है, एक ऐसी स्टोरी है जिसके बारे में यदि आप गहनता से बहुत ही सोच कर बहुत ही प्यार से यदि आप गहराई में उतरते हैं तो ये बहुत कुछ बताता है। हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी घटनाओं का जिक्र है जो हमें यदि पालन करते हैं, हम इन चीज़ों का मान रखते हैं, इनका पालन करते हैं तो आने वाले समय में हम बहुत सारी विपदाओं से भी बचते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल में बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।